साथियों जोहार जोहार नमस्कार आभार अभिनंदन और गुड मॉर्निंग केम छो जय भीम जय शिवराय। हम आ चुके हैं, शायद ये मोइश नदी गांव है और यहां से एक रेस्क्यू कॉल आया है। आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी भाई लोग यहां रहते हैं और है ना, और हम चलते हैं उस घर की ओर जहां एक रेस्क्यू कॉल आया हुआ है। लोग इंतजार में हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है दादा। ऐसे काल देगा मार मुर्गी चोरी ढूंढ के नहीं। हाँ हाँ। किया थे। अच्छा। क्या बोलते हैं बाजार तो देखते हैं भाला है। ओ कहाँ पर सांप देखा गया है? जंगल में थे। अच्छा साथियों आप ध्यान से देखिए, एक मुर्गी का छोटा सा घर है ये दादा। पहले तो जोहार जोहार। ये हाँ अच्छा, ये हमारा मासी लगेगी। मासी से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप दूरी बना लो मासी, यहाँ थोड़ा सा दूरी बना लीजिए तो हमको थोड़ा वीडियो बना, फिर आपसे मिलेगा। तो साथियों यहाँ देखा गया है सांप और कल से कोई मुर्गी घुस नहीं रहा है और हमें ऐसा लगता है कि मुर्गी का जो भय के कारण मुर्गी नहीं घुस रहा है, तो हम देखना चाहेंगे कि कौन सा सांप है। दादा ये वाला आप पकड़ लो, इसी में देखा गया है, इसी के अंदर। चलिए इस मुहिम का हिस्सा आज हमारे सरियत जी भी हैं। सरियत जी पकड़िए, थोड़ा बाघ उग नहीं ना घुस गया है जी। अच्छा सांप घुसा हुआ है, बाघ नहीं है। हाँ हाँ गेहूं सांप है साथियों, ये कोबरा है, इसमें कोबरा सांप है। अरे साक्षात खड़ा हो गया, थोड़ा कैमरा दिख लीजिए। हाँ 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 हाँ, थोड़ा कैमरा ले जाइए सामने। साथियों हमें भी डर लग रहा है इसकी फुफकार से, हम भी डरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सांप, सांप नहीं सांपेर नाम थे कई भय, देख रहे हैं ना। हाँ, थोड़ा सा टोपी दे दीजिए। हाँ हाँ सरियत जी को दे दीजिए मैजिक टोपी, सरियत जी इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में लीजिए। इसे हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा कहेंगे, कोबरा एक जानलेवा सांप है। कौन लेवा है? जानलेवा। अगर काट ले तो सीधे हड़माड्डी हॉस्पिटल। साथियों ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इस गांव में एक बच्ची का भी डेथ हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ लोग बता रहे, क्या सही बात है? आप लोग अगर पंचायत हॉस्पिटल ले जाता तो बच जाता वो बच्ची। झाड़ फूंक ओझा गुनी तंत्र मंत्र के चक्कर में उस बच्ची का डेथ हो गया। देखिए मौसी जी है हमारा और वो बीच बीच में आती है, दुर्गा पूजा भी आ गया है इसलिए उनको साड़ी साया ब्लाउज तो देना होगा मौसी जी को। ये सांप ऐसे नहीं काटता है, जब इसका आपका पैर इसके ऊपर दब जाए तो तुरंत काट लेगा, तुरंत काट लेगा, ऐसे नहीं काटेगा ये सांप। देखिए किस तरह ये वार करता है, यहाँ ताबीज काम नहीं करेगा, एक काम करेगा जिसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है आपके लिए। अगर शिक्षा है तो हर चीज है आपके पास। हमारा एक छोटा मोटा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है यूट्यूब पर कि आप बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए। और बहुत ही विचित्र सांप, हिंदी में इसको खरीस, क्या कहते हैं हिंदी में, गेहुअन, हिंदी में नाग, और बंगला में इसे खास करके हमारा आदिवासी भाषा में बहुत सारा नाम है। बीम बोलते हैं क्या? बीम बिंग न बीम है, बिंग 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 है साथियों। हम पहला बार सुन रहा है कि इसका नाम बिंग भी होता है। एक सांप का 28 नाम, क्योंकि 28 स्टेट, पहले 29 था अभी फिर 28 हो गया, तो सबसे अलग गेहुन। आज आपको हम बताएंगे सांप का एक ठो बहुत बड़ा रहस्य। हम अगर झूठ मूठ का लोग को बोलेंगे कि हम बांध दिया और सांप नहीं निकलेगा तो इस पर नहीं रहिएगा। ये सांप एक बार राग हो गया, उग्र हो गया, गुस्सा में आ गया तो 4 से 5 घंटा खड़ा रहता है,
धामना सांप, धामन को छोड़िए तुरंत भागेगा, तो फिर तो मेरा मंत्र काम नहीं आया। इसको ये नहीं भागने वाला है, जब तक हम इधर है इधर ही खड़ा रहेगा। तो साथियों अब देखिए वो अक्सर ये उस साइड चले जाइए, बहुत ही विचित्र सांप, और हमारी नकल ना करें, हमारा नकल नहीं कीजिएगा, ये नकल मत कीजिएगा। आप लोग यूथ से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग नकल मत कीजिएगा, हमारा नकल मत कीजिएगा। हमारा क्या है, एक कम पचास यानी 49 साल का हो गया। अगर हम मर भी जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूथ अगर मरता है तो उसका माँ बाप को भारी प्रॉब्लम होगा। देख रहे ना, इसको पकड़ने में, इसको छूने में सबसे ज्यादा पढ़ाई का जरूरत पड़ा है। क्या चीज क्या है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा है तो आपके पास सारा चीज है। इसीलिए साथियों बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए, अपनी मानसिकता को चेंज करें, हमेशा सोच पॉजिटिव रखिए, किसी के प्रति घिन्ना मत कीजिए। और साथियों शराब से दूरी बनाइए, नशा से दूरी बनाइए, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजड़ा घर द्वार और परिवार। तो साथियों इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय शिवराय, और हमारे आकाश सर के लिए स्पेशल जय हिंद, जय भीम, जय शिवराय, और जोहार जोहार, वंदे मातरम।